नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। खबर चला बिजनौर से है, जहां से हम आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता तुषार वर्मा की खास रिपोर्ट। साल 2015 में गणेश प्रतिमा विसर्जन की मांग को लेकर हुई बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज के विरोध में 5 अक्टूबर 2015 को निकाली गई अन्याय प्रतिकार यात्रा में नामजद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सहित 82 लोगों के खिलाफ दर्ज हुए मुकदमे में 11 लोगों को अपर सत्र न्यायालय वाराणसी द्वारा बरी कर दिया गया, लेकिन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व मंत्री अजय राय को अभी भी मुकदमे में रखा जाने के विरोध में आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर बिजनौर जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में कांग्रेसियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के खिलाफ मुकदमा वापस ले जाने की मांग की। जिला उपाध्यक्ष मुनीष त्यागी ने बताया, पीछे वाराणसी में एक प्रदर्शन हुआ था विसर्जित करने के नाम पे, उसमें 82 लोगों के खिलाफ मुकदमे लिखे थे जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी थे। 81 लोगों के मुकदमे वापस ले लिए गए और हमारे प्रदेश अध्यक्ष आज तक मुकदमा झेल रहे हैं। हम मांग करते हैं शासन से कि दोबारा जांच हो उसकी और सारे लोगों को निर्दोष रिहा किया जाए, क्योंकि उनका दोष ही कुछ नहीं है। मांग करना हमारा हक है, हम आंदोलन नहीं करेंगे, हम प्रदर्शन नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे? हमें मारोगे भी और धूम में भी रोने भी नहीं देंगे हमें? इस तरह से सरकार नहीं चलेगी। और एक शेर मुझे याद आता है, ए हिंदुस्तान वालों, ये बांटने वाले लोग हैं हिंदू मुसलमान को आपस में, ए हिंदुस्तान वालों, अरे ये क्या बना बैठे? कहीं मंदिर की तख्ती लगा बैठे तो कहीं मस्जिद की तख्ती लगा बैठे। अरे तुमसे तो ये परिंदे अच्छे, कभी मंदिर पे जा बैठे तो कभी मस्जिद पे जा बैठे। इन्होंने जिस तरह से भाई से भाई को लड़ाने का काम किया है, आज हमारे जिला अध्यक्ष शेरबाज पठान को ले लीजिए, आज 4-5 महीने से जेल के अंदर है, फर्जी मुकदमे उसमें थोपे गए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी के लोगों का मुंह कुचलने के बाद वो कम से कम 15,000 वोटों से जीत रहा था। उसे हराने के लिए, फर्जीवाड़ा करने के लिए उसके बाद भी वो 11,000 वोटों से जीता है और उसे जेल के अंदर डाल रखा। कहीं गैंगस्टर लगाया जा रहा है, कहीं कुछ और लगाया जा रहा है। हम मांग करते हैं इस तरह से अगर फर्जी मुकदमे लगाने का काम ये लोग करेंगे तो कांग्रेस पार्टी पूरे देश के अंदर आंदोलन करेगी और इनका मुंह घुमा दिया जाएगा, चाहे असर कुछ भी हो। हमारे किसान भाइयों के साथ इन्होंने जुर्म ढाया, शिक्षा मित्रों के साथ इन्होंने जुर्म ढाया, युवा शक्ति के साथ इन्होंने जुर्म ढाया। ये जुर्म अब कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी, अब हमारी सीमा से लांग चुके हैं ये लोग। और एक शेर फिर मुझे, आज जिस तरह से मणिपुर में इन्होंने नंगा नाच महिलाओं के साथ किया, एक तरफ महिलाओं को पूजने की बात करते हैं ये लोग, ये झूठे हैं, महाठग हैं। इन्होंने 2 बार ठग लिया हमारी प्यारी जनता को, ये भोली भाली जनता है। इन ठगों के बहकावे में अब लोग नहीं आने के। और एक शेर मुझे याद आता है कि कुर्सी पर जो बैठा है वो बुज़दिल है, फौलाद नहीं। इस जनता का दर्द वो क्या समझेगा जिसके घर औलाद नहीं। और इसी के साथ जुड़ रहे बंधन समाचार के साथ।